दोस्तों अभी मैं रिव्यू करने वाला हूँ भेड़िया मूवी का, उससे पहले शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत बुरी बात है कि पूरी मूवीज में कोई भी कैरेक्टर डेवलपमेंट है ही नहीं, पूरा पूरा स्टोरी फोकस किया गया क्या हो रहा है, कौन मर रहा है, किससे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत ही गजब की मूवी का कॉन्सेप्ट लगता है क्योंकि स्टोरी में हम लोग घुस जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, थोड़ा सा दिक्कत लगती है। वरुण धवन के पीछे कृति सेन ने उनको वेस्ट कर दिया है, क्यों उनको यूज करते, काफी गजब की चीज हो सकती है, पर लास्ट में कुछ अलग हुआ जरूर है। फिर भी यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जिसका म्यूजिक बहुत वॉरेस्ट है भाई, क्यों भाई कहीं पर भी म्यूजिक ठोक दे रहे हो भाई, क्यों ऐसा क्यों करना है भाई। जहाँ पर कुछ कुछ म्यूजिक होते हैं आपको सुनने में अच्छे लगते हैं बीजीएम के साथ, पर ऐसा नहीं, पर यह थोड़ा सा बीजीएम अच्छा लगता है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा। सबसे बड़ा जो मुझे अच्छा लगा वो भेड़िया है, 60 करोड़ में बनी हुई मूवी, पूरा पैसा भेड़िया पे लगा दिया, लगता है कि वो भेड़िया है। हॉलीवुड की टीम आई थी इस मूवी के कैरेक्टर को बनाने के लिए, भेड़िया को, बहुत ही अमेजिंग, क्योंकि कोई कार्टूनिस्ट नहीं लग रही, बहुत गजब। और वरुण धवन को जो कनेक्शन है भेड़िया के साथ, सभी चीज कॉमेडी की आती है, बस बाकी जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो तो सामने आती है, तो बहुत मजा आता है। वरुण धवन का जो भेड़िया बनने का जो लुक है भाई, वही सबसे मजेदार है, सब मशहूर है। भेड़िया मूवी के पीछे बहुत बड़े राज हैं, वो क्यों आखिर किस लिए और क्या दिक्कत है, वो सब चीज़ें पूरी रिजॉल्व करने वाली हैं, सभी चीज़ें सभी में प्रॉब्लम आता है। जो भी कम स्क्रीन थी वो काफ़ी एंटीजिंग लगता है, छुट्टी है तो शादी की थोड़ा सा मजा आता है। फिर भी मूवी बीच के कैरेक्टर से मूवी में काफ़ी छुट्टी है, पर एक मूवी काफ़ी अच्छा लगा है, तो मूवी के खिलाफ जो बुलाते हैं तेरा तरह सुरूर वाला जो था, उस तरीके से बहुत कसर कर लगता है। और इसमें जो भी कैरेक्टर और अभिषेक जो है बहुत टाइप की गए हैं कैरेक्टर, अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अगर शेयर नहीं करेंगे तो इस वीडियो में इसके लिए जरूर लाइक करिएगा।